जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती पर एक तरफ जहां सियासी पार्टियां सवाल उठा रही हैं, वहीं अब अमरनाथ यात्रा पर आतंकी साय को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। खुफिया एजेंसियों के इनपुट्स के बाद सरकार ने अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी है। घाटी में हो रही तमाम हलचलें कुछ बड़ा होने की ओर इशारा कर रही हैं। आतंकी हमले को लेकर एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि आतंकी अमरनाथ यात्रियों को टारगेट कर सकते हैं, और इसी को देखते हुए सरकार ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों को यात्रा खत्म करने और घाटी से जल्द निकलने की सलाह दी है। इधर सरकार के एडवाइजरी को लेकर पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर नाराजगी और चिंता जताई है। उन्होंने लिखा कि सीरियसली, आपने सोचा है कि एक सरकारी आदेश से पर्यटक जल्दी से घाटी छोड़कर भागने लगेंगे? कितने पर्यटक इस आदेश को देखकर भागने लगेंगे? लोगों को भगाने से एयरपोर्ट और हाईवे पर जाम लग जाएगा। वहीं दूसरी ओर अमरनाथ यात्रा के रास्ते में पाकिस्तान में बनी स्नाइपर राइफल बरामद हुई है। इसके साथ ही जांच के दौरान सुरक्षा बलों को कुकुर बम और आईईडी मिला है। On 30th of July, Pakistan Army resorted to unprovoked artillery firing, and which was retaliated and replied to in the befitting manner, and thereafter they kept quiet. In case they attempt it again, it would again be replied in the matter probably better than the previous time. Situation in the hinterland. As you are aware, the terrorist leadership is the main target of us. Of all Tanzims, especially Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Taiba, Hizbul Mujahideen, and Gujrat-ul-Hind. And in the last 6-7 months, we have been able to eliminate most of the top leadership, and the job is still in progress. पाकिस्तान की हड़ताल को नाकाम करने के लिए केंद्र सरकार अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। केंद्र सरकार ने 25,000 और सैनिकों को घाटी भेजा है। हफ्ते भर पहले 10,000 सैनिकों को भेजा गया था। केंद्र के इस कदम से पाकिस्तान और आतंकी बौखलाए हुए हैं। इसी से आशंका जताई जा रही है कि बौखलाहट में कोई नापाक साजिश अंजाम ना दे सके। इन सबको नस्त नाबूद करने के लिए सरकार ने एयरफोर्स और आर्मी को अलर्ट मोड पर रख दिया है। यूं तो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती कुछ और ही इशारा कर रही है। R9 TV के लिए अनु सिंह की रिपोर्ट।